हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल है हाल फिलहाल में, आपने सुना होगा कि अक्षरा जी और पवन जी का जो वाद विवाद चल रहा है वो कितनी गलत बात आपको लगती है? क्योंकि जब एक सक्सेसफुल आदमी हो जाता है, कामयाब हो जाता है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो अगर कोई ऐसे ओछी हटकर करे तो कितनी गलत बात है? देखिए, अक्षरा सिंह ने जो, मैं सोशल मीडिया से ही जो सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं, अक्षरा सिंह जो आरोप लगा रही हैं पवन जी पे, अगर वो सच है तो शायद पवन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ज़्यादा बोलना मेरे लिए इसलिए सही नहीं होगा कि मैं अक्षरा सिंह के भी मैटर को नहीं जानता हूँ कि अक्षरा सिंह जो आरोप लगा रही हैं वो सही है कि नहीं, पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ क्या किया। जब दोनों के मैटर को आप जानेंगे तब आप मीडिया में कोई भी बयान दे सकते हैं। अभी मैं मीडिया में बयान दे दूँ कि यहाँ पे पवन सिंह गलत है, यहाँ पे अक्षरा सिंह गलत है, तो शायद मेरे लिए ज़्यादा होगा ये बोलना, क्योंकि मैंने दोनों के मैटर को जाना नहीं। हम दोनों, पवन जी के साथ मैंने दो फिल्में की हैं, एक सपेरा किया था मैंने, फिर लुटेरे किया, तो यही दो बार जो भी हमारी दो चार बार मुलाकात हुई हो, या फिर कहीं हम लोग स्टेज शो वगैरह में मिल जाते हैं, कहीं अवार्ड शो में मिल जाते हैं, तो पर्सनली मैं पवन सिंह को नहीं जानता, ना ही मैंने अक्षरा सिंह के साथ कभी कुछ काम किया है कि मैं पर्सनली अक्षरा सिंह को जानूं। जितना मैं पवन सिंह से मिला हूं उतना ही अक्षरा सिंह से मिला हूं, यानी कि कभी स्टेज शो में, कभी अवार्ड फंक्शन में, कभी ऐसे वैसे। तो जब तक हम किसी के बारे में, हमको सही जानकारी नहीं है, तब तक उस मैटर के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि गलत है। तो मैं दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। फिर भी मतलब जब वाद विवाद की बात आती है, मतलब आप भी इतने दिन से जुड़े हैं किसी भी विषय को लेकर, तो उसका एक मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यश कुमार के जीवन में मैंने कभी किसी लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और मैं समाज के हर इंसान से कहना चाहूँगा, कोई भी हो, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो कोई एक नॉर्मल इंसान हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हों, फिल्म लाइन के लोग हों, गाँव से जुड़े लोग हों, जब भी आप किसी लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसके खिलाफ चाल चलने की कोशिश करते हैं, एक बार अपनी बहन को याद कर लें, एक बार अपनी माँ को याद कर लें, एक बार अपनी बेटी को याद कर लें, खुद ब खुद आपके कदम रुक जाएंगे। क्योंकि एक बेटी कल को आपकी बहन बनती है, कल को आपकी माँ बनती है, कल को आपकी बीवी बनती है, मतलब सृष्टि की रचयिता एक बेटी ही है। और बेटियों से भी एक अनुरोध है कि आप लोग कभी भी, हम लोगों को एक दायरे में रहना चाहिए, बेटियां हमेशा दायरे में रहें, ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप दायरे से बाहर ना जाएं, क्योंकि आप अपने परिवार का सम्मान है, आप एक भाई का सम्मान है, एक पिता का सम्मान है, एक पति का सम्मान है, एक बच्चे का सम्मान है। तो दोनों एक समाज के अभिन्न अंग हैं, पुरुष और स्त्री, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और दायरे में दोनों इंसान को रहना चाहिए। दायरे से बाहर कुछ भी होता है तो सर वो अनिष्ट हो जाता है वहाँ पे, तो दायरे में रह करके अगर रिश्ते को बड़े प्यार से निभाएं। और एक चीज़, आपका अगर कहीं नहीं जमता है, जैसे मेरा अगर किसी के साथ नहीं जमता है, तो मैं उस रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहिए, मुझे नहीं जमता है, ठीक है भैया, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते, मेरा अपना दुनिया, आपकी अपनी दुनिया, जब तक हम मोहब्बत में रहें बहुत प्यार से रहिए, और नहीं जमता है तो उसी प्यार से अलग हो जाइए जिस प्यार से आप एक साथ मोहब्बत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.